Assalamualaikum my YouTube family, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक ठाक होंगे। और Assalamualaikum मेरी बाकी सारी फैमिली जो YouTube पे नहीं है और हमारे व्लॉग्स जो हैं वो डेली देखते हैं, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मेरी बहुत प्यारी और बहुत ही रेगुलर फॉलोअर है परमजीत कौर, और उनकी बर्थडे थी 2 दिन पहले, और मैंने उनका कॉमेंट आज देखा क्योंकि कल जो है हम लोग किसी वजह से व्लॉग नहीं लगा सके जफर, क्योंकि लास्ट वर्किंग डेज चल रहे हैं तो जफर ऑफिस से ही आते हैं आजकल 10:30 बजे, तो व्लॉग नहीं बनाया ना लगाया। तो परमजीत कौर आपको हमारी तरफ से, मेरी तरफ से, काशान की तरफ से, मैंने वहां भी कमेंट पढ़ा था, और हमारी पूरी फैमिली की तरफ से सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो और आप जिए हजारों साल और हमेशा खुश रहें, क्योंकि मेरी ये बहुत प्यारी फॉलोअर है और बहुत रेगुलर फॉलोअर है। जब से माशाल्लाह चैनल ग्रो किया उन्होंने मेरा और काशान का कोई भी व्लॉग मिस नहीं किया और कॉमेंट भी जरूर आते हैं, तो देर करने की माजरत क्योंकि कॉमेंट मैंने आज देखा है। तो जी अभी जो है घर में आज जो एक्टिविटी है वो यही है कि जफर का काफी लोग पूछते हैं कि मैंने काफी कमेंट पढ़े कि गवर्नमेंट ने आपको तो बड़ा प्यारा घर दिया, ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया। माशाल्लाह जफर का 17 स्केल है और गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गजेटेड ऑफिसर है, घर हमें मिल सकता है लेकिन हमने लिया नहीं है। ये वाला जो घर है ये हमारा अपना घर है और ये मेरे पेरेंट्स ने हमें दिया है, क्योंकि मेरी सारी फैमिली आपको पता है स्पेन रहती है, तो मेरे पेरेंट्स की तरफ से ये है जी हमारी फैमिली के लिए, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट का घर अप्लाई ही नहीं किया ना लिया है। तो ये है कि जी अभी आज हमारी तरफ, क्योंकि आपको बताया था थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नहीं खैर बहुत ही ज्यादा दिमाग वाला इशू, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, जब से इस घर की ये सारी पैलिंग करवाई है ना हम लोगों ने तो हम फंगस से कुछ बचे हुए हैं, और ये है कि आज जो है घर में दीमक की वजह से ना कुछ छोटे छोटे से कीड़े हमें फील हो रहे हैं, और वो थोड़े काटते भी फील हुए, एलर्जी सी फील हुई है, तो लकड़ी वाले को बुलाया है, वो भी पहुंच रहा है। तो अभी हम ना हमारे घर में लकड़ी के जितने काम होने वाले थे ना, अभी ये ड्रेसिंग टेबल सारा खाली करेंगे, ये चीजें वहां चली जाएंगी, और ये जो सारी चीजें हैं ना इस ड्रेसिंग टेबल की भी, ये जो है इसको पता नहीं क्या कहते हैं चैनल के, पता नहीं क्या कह रहे थे वो लकड़ी वाले, ये ना तीनों ड्रॉर्स हुए हुए हैं खराब, तो ये तीनों जो है ना ड्रॉर्स हम लोगों ने लकड़ी वाले से ठीक कराने, ड्रेसिंग में अभी करूंगी खाली, और उसके बाद जो है अभी हमारे ना जैसे कि हालांकि हम लोग बहुत ज्यादा घर में सफाई रखते हैं, बड़ी केयर होती है, लेकिन ना इससे जो गाठ को भी दीमक लगी है, अभी ये सारी जो है हम लोगों ने साफ कर दी हुई है, तो इस वजह से ना छोटे छोटे मुझे ना वो कीड़े कीड़े से फील हुए हैं अपने लाउंज में। तो एक ये है, एक हमारी बाहर वाली चौगाठ है, और आज किचन में कुछ चीजें हैं, लेकिन अब किचन खुलेगा तो हमें पता चलेगा कि किचन के ड्रॉर्स की और कैबिनेट्स की क्या सिचुएशन है, क्योंकि टाइल्स के अंदर से भी एक दो जगह से दीमक आ रही है बाहर, तो एक कुछ ये ड्रॉअर खराब हुआ हुआ है, छोटे मोटे काफी काम है, कुछ वॉशरूम नीचे और ऊपर का शान के बेडरूम में दोनों की वैराइटीज के वो क्लंप से खराब है। तो चले जी अभी आएगा लकड़ी वाला, और क्या क्या घर में काम निकलते हैं, कितने दिन लगते हैं, क्या होते हैं कुछ कीड़ों से मुझे, क्योंकि जिंदगी में किसी चीज को देख के बुरा नहीं लगता, पता नहीं क्या बात है, जो दीमक की लाइनें लगती है ना उससे मुझे बहुत अजीब सी फीलिंग आती है, बड़ा डर सा लगता है। तो चले जब लकड़ी वाला आता है फिर सारे काम वाम दिखाते हैं, और फिर आपको उसके साथ जो है ना मजीद जो है वो अपडेट शेयर करेंगे। और जो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और लाइफ ऑफ काशान मेरे भाई का चैनल है उसको भी जरूर आपने सब्सक्राइब करना है। और शाजिया भाभी की तबीयत आजकल थोड़ी सी खराब हुई हुई है, उनकी ड्यू डेट अभी थोड़ी दूर है, और लेकिन ये है कि उन्होंने क्योंकि चेकअप, अब मैंने अपने डॉक्टर का बताया था तो एक दो उनके प्रॉपरली हो गए हैं करवाया चेकअप, तो मैं आज हमारा प्लान है कि ये सारा काम शाम थोड़ा दिखा के तो शाजिया भाभी का पता करेंगे, फिर उनकी ड्यू डेट देख के और जो भी उनकी चीजें हैं वो भी आपके साथ करेंगे शेयर। जफर की टाइमिंग की वजह से ना कुछ नहीं होता हमसे। तो चले जी अब लकड़ी वाला आता है तो फिर दोबारा आपसे मुलाकात होती है। लकड़ी वाले भाई आ गए हैं जी, अभी होगी पूरे किचन की चेकिंग, तो क्या क्या चीजें खराब हुई हुई है। ये छोटे छोटे कीड़े मुझे फील होते रहे हैं। बहुत ज्यादा लगी हुई थी इधर, तो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने स्प्रे किया तो जरा इसलिए थोड़ी नमी आ गई, कीड़े मार के। बहुत ज्यादा दीमक लगी, और देखें बिजाहर पता भी नहीं चला।
मेरे पांव पे चढ़ गए भाई। उधर वो देखो बहुत ज्यादा गंदे हैं, उधर से ये जा रहे हैं। एक वो है वो उठाने वाला, वो वेपर जो अभी सारे कीड़े वगैरह साफ कर लेंगे ना, ताकि आगे तक ना जाए। सफाई जरूरी है साथ साथ। पीछे दीवार सारी भी भरी हुई, पिछली भी है ना। सारे किचन का जो है ना, फिलहाल तो ये ड्रॉर्स में ज़्यादा मसला हुआ है, लेकिन अभी एक दफ़ा ये सारा उतारते हैं, फिर पता चलेगा। बाकी सारी ये वॉल ही ऑलमोस्ट सारा नीचे वाला जो हिस्सा है ना, वो इफेक्टेड हुआ है, बहुत नुकसान हो गया। ओए होए बहुत ही मक है ये ड्रॉर्स के नीचे वाली साइड पे ना। किचन का सारा सामान निकाल दिया है और अभी हम लगाएंगे किचन में दवाई। मेरे तो दिल को कुछ हो रहा है। ये तो सही है ना, ये ठीक है। ये तो बड़ा बुरा हाल हो गया। आसमान भी लगा के बैठी किचन में बहुत स्मेल। सारा किचन बेचारा बाहर आया पड़े, लेकिन यही है कि ये एक आधा दिन मेरा ख्याल अभी तो दो दिन तो ये लगेंगे भी नहीं क्या पड़े। हाँ जी, नहीं दो दिन अभी छोड़ेंगे इसको, 24 घंटे के 48 घंटे ऐसे छोड़ा। मेरा वैसे जहन है कि हम ना ऊपर शिफ्ट हो जाए। चले देखते हैं ऊपर चले चलते हैं। ए दो चल देने से काम नहीं करेगा सर, किचन इतनी हो सकता ना काम, तो ये किचन ऊपर का सारे दिन ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, अभी तो उतार, हमारे तो सांस ही रुक गए हैं घर के अंदर। एक्चुअली हुआ ये है कि दीमक आपने सिचुएशन सारी देखी है, बिजाहर पता ही नहीं चला, हालांकि पेपर लगे हुए थे, मेडिसिन्स लगी हुई थी, लेकिन पिलाई है ऑब्वियसली, जहाँ टाइलों और टूटियों नलों में से बाहर आ गई है दीमक, तो फिर ये तो किचन था और बिजाहर बिल्कुल पता नहीं चला। सिर्फ एक जगह से छोटा सा सुराख हुआ है ना, तो वो चेक करते करते बात कहाँ तक चली गई है। तो ये है कि कुछ नमी का भी इन जो हमारे ये वाले एरियाज है ना यहाँ पे, क्योंकि पहले ज़मीनें वगैरह थी, अब कलोनियाँ जो हैं वो कटिंग हुई हैं, तो ये है कि नमी का भी बहुत ज़्यादा मसला है। तो पूरे घर में तो पैलिंग होने से बच गया, लेकिन अब हुआ ये है कि अभी तो हम लोगों ने ना पूरे घर को, किचन को और अपने गैराज को, इवन अपनी गाड़ी को, मैं एक एक चीज़ हमने घर की धो दी है, सर्फों से सारा साफ कर दिया, क्योंकि वो भाई हमें कह के गए थे कि जितने कीड़े निकले हैं ना, ये ना हो कि ये किसी और चीज़ को चिपके, तो आप अपने घर को वॉश करें। आप डेटोल और सर्फ वगैरह डाल के किचन भी धोया है, लाउंज को धोया है और सारा गैराज शराज धो के ना, लेकिन हम लोगों ने ना पूरे नीचे वाले घर को, यानी सारी चौगाठों को, पूरे किचन को, किचन जो नीचे वाले सारे कैबिनेट्स हैं ना, मतलब वो कुछ 7 कैबिनेट्स और 3 ड्रॉअर्स हैं, वो सारे वेस्ट हो गए हैं। अब सबको मेडिसिन लग गई है, वो उन्होंने सारा मटेरियल बाहर निकाल दिया, बल्कि एक दफ़ा वहाँ फेंक गए हैं वो सारा कुछ। अब कल कूड़े वाले आएंगे तो वो उठाएंगे। तो यह है कि वो सारे नीचे वाले किचन को मेडिसिन लग गई है और सारे चौगाठों को नीचे भी लगवा दिया। किचन हमने चूल्हा वगैरह ऊपर ऑन करके सेट कर लिया, लेकिन मैंने एक किया था कि मैंने जो है ना वो ऊपर वाली वो जितनी हमारी चौगाठें थी ना, उनको भी मेडिसिन उन्हीं से लगवा दिया, क्योंकि दीमक सेंटर से लोग आए हुए थे जिन्होंने लगानी थी। तो हमारे घर के अंदर ये सिचुएशन हो गई है कि सांस भी नहीं लिया जा रहा और ये खतरनाक चीज़ है। वो गले को ना गला पकड़ लेती है और गला भी कर रही है इफेक्ट। और आप ये देखें कि हम लोगों ने कुछ 5-6 घंटे हो गए हैं इस टाइम, रात का काफ़ी ज़्यादा 2:30 बज रहे हैं और ये टाइम हो गया। अभी घर को एक दफ़ा बिल्कुल वॉश करके कीड़े शीड़े सब ख़त्म कर दिए हमने। तो अभी हमारा प्लान है कि मेरे मामू रहते हैं करीब, तो अभी हम उनकी तरफ चले जाएंगे, क्योंकि रात हम घर में रुक नहीं सकते, ऊपर नीचे सब टोटल मेडिसिन लग गई हुई है। तो अभी हम जाएंगे उधर, कल दिन में आकर सिचुएशन देखेंगे,
क्योंकि अभी किचन हमारा नीचे वाला 4-5 दिन के लिए बंद हो गया है, वो ऊपर ही यूज़ होगा, लेकिन जब तक घर में से स्मेल नहीं जाएगी तो हम रहेंगे नहीं। क्योंकि ये ना हो कोई बेहोश बेहोश पड़ा हो तो उठाएगा कौन, आके इतने लॉक्स होते हैं। तो चलें जी, दुआ कीजिएगा कि जितना नुकसान हुआ है बस इसी हद तक रहे, आगे मजीद ना बढ़े। तो बाकी सारा घर भी जब वो कल दोबारा आएंगे, क्योंकि कल दोबारा मेडिसिन लगनी है, दो दफ़ा उन्होंने कहा मेडिसिन लगेगी, फिर एक दिन लगा ही रहेगी, फिर किचन का काम शुरू होगा। तो आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट, बाकी जो भी अब सिलसिला घर का आपसे अपडेट करते रहेंगे। मे भी हम 4-5 दिन के लिए कहीं शिफ्ट हो जाएं, घर ना रुके, गांव ना चले जाएं। हाँ गांव चलते हैं, गांव वाला भी घर हो गया उधर चलते हैं। हमारा गांव वाला घर भी माशाल्लाह कंप्लीट है, वहाँ भी चल के देखनी है अपडेशन। एक दो शादियाँ भी बीच में आ गई हैं, इस टाइम उधर के उन्होंने परेशान हो जाना रात के। इस टाइम नहीं, गाँव हम नहीं जाएंगे अभी, हम जाएंगे मामू की तरफ ही। कल शाजिया भाभी का पता वगैरह करके मजीद पर डिसाइड करेंगे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, हमारी गली के सब लोग सोए हैं और हल्की हल्की धुंधी है। तो जी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, आपसे कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सामान सामान मैंने रखवा दिया दीदी।